नमस्कार बच्चों, मैं पूनम चौधरी स्वामी आरएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठक सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सुभाषितानी शब्द दो शब्दों सु प्लस भाषितानी से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर और भाषित का अर्थ होता है वचन। चलिए इस पाठ का प्रथम श्लोक देखते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते। पृथ्व्यां पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न हैं। जलम जल, अनम अनाज, सुभाषितम अच्छे वचन, कि इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़े मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञाम विधीयते, रत्न संज्ञा दी जाती है। अर्थात पृथ्व्यां धरती पर त्रीणि तीन रत्नानि रत्न संती हैं। जलम जल, अनम अनाज, सुभाषितम अच्छे वचन। परंतु मूढ़ई मूर्खों द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों से तात्पर्य यहाँ किससे है, हीरा आदि रत्नों से, कि पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम विधीयते दिया जाता है। अर्थात इस धरती पर तीन ही रत्न हैं, पानी, अनाज और अच्छे वचन। परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जो मूर्ख लोग हैं वे हीरा आदि को ही रत्न कहते हैं। नेक्स्ट है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी पृथ्वी की, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तप्ते रवि, रवि सूर्य तपते तपता है, सत्येन यानी सत्य के द्वारा, कि सूर्य है वो सत्य के द्वारा तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, चय यानी और, सत्येन सत्य के द्वारा वायु हवा वाति बहती है, कि और सत्य के द्वारा ही हवा बहती है या चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब कुछ, सत्य सत्य पर प्रतिष्ठितम स्थित है या प्रतिष्ठित है। अर्थात धरती सत्य से धारण की जाती है, सूर्य सत्य से तपता है और सत्य से ही हवा चलती है, सब कुछ सत्य में स्थित है। अर्थात इस संसार में सब कुछ सत्य पर निर्भर है। नेक्स्ट है, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनिये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कि दाने दान पर, तपसी तपस्या पर, शौर्य बल पर, विज्ञाने विज्ञान पर या नए ज्ञान पर, विनय विनम्रता पर, नए नीति पर, विस्मयो न ही कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा यानी पृथ्वी बहुरत्ना बहुत अधिक रत्नों वाली है या अनेक रत्नों वाली है। कि हमें कभी भी दान, तप, बल, विशेष ज्ञान, विनम्रता और नीति पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस पर अनेक रत्न हैं। नेक्स्ट है, सद्भिव एव सहासित, सद्भिव कुर्वित संगतिम, सद्भिव विवादम मैत्रीम च, न सद्भिव किंचित आचरेत। सद्भिव सज्जनों के एव ही सहासित यानी बैठना चाहिए, कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिव कुर्वित संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर
विवादम मैत्रीम, कि सज्जनों के साथ ही विवाद और झगड़ा करना चाहिए, न सद्भी असज्जनों के साथ या दुर्जनों के साथ किंचित आचरित कैसा भी या किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार फिर देखेंगे, अर्थात आदमी को या मनुष्य को सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा या विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जन व्यक्तियों के साथ या असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। धन धान्य प्रयोगेशु यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेशु विद्या के संग्रह में या विद्या का अर्जन करने में, आहारे व्यवहारे च आहार च और व्यवहारे व्यवहार में त्यक्त लज्जा जो लज्जा छोड़ देता है, सुखी भवेत यानी सुखी रहता है, लज्जा अर्थात शर्म। एक बार फिर देखेंगे कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के अर्जन में या संग्रह करने में, भोजन और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच या शर्म छोड़ देता है वही सुखी रहता है। नेक्स्ट है, क्षमा वसी कृतिर लोके क्षम्या किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमाशीलता, वशीकृति यानी वशीकरण है लोके संसार में, कि इस संसार में क्षमा करना ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षम्या किम न साध्यते, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता। शांति खड़ग, शांति रूपी तलवार, करे यानी हाथ में, कर का मतलब है हाथ में, कि जिसके यस्य यानी जिसके करे हाथ में शांति खड़ग शांति रूपी तलवार है, किम यानी क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन यानी दुर्जन, अर्थात संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से सभी को वश में किया जा सकता है, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है। बच्चों, अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ। पृथ्व्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, वाती बहता है या बहती है, वायुश्च पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्भिव एव सज्जनों के साथ ही, साहसित साथ बैठना चाहिए, साहसित साथ बैठना चाहिए, कुर्वित करना चाहिए, सद्भिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, न असद्भी असज्जन लोगों के साथ नहीं, धन धान्य प्रयोगेशु धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु संग्रहों में, संचय करने में, त्यक्त लज्ज संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, क्षमावसी कृतिर लोके संसार में क्षमा, शांति खड़ग शांति की तलवार।
बच्चों अब आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके पाठ में दिए गए श्लोकों में से ही बनाए गए हैं। अब आपके इन प्रश्नों के उत्तर। आपने जो भी उत्तर अपनी नोटबुक में लिखे थे, यहाँ से आप उनका मिलान कर लीजिए। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। धन्यवाद।